नमस्कार दोस्तों, सामने आए राम रहीम की नई खौफनाक बीमारी। डॉक्टरों ने कहा बचाना नामुमकिन। साध्वियों के रेप में 20 साल की सजा काट रहे डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम की नई बीमारी का खुलासा हुआ है। डॉक्टरों ने कहा कि राम रहीम की यह बीमारी दूर नहीं हुई तो उसे बचाना नामुमकिन हो जाएगा। यह एक ऐसी बीमारी है जिसके इलाज के लिए राम रहीम को छोड़ा भी नहीं जा सकता है। दरअसल डॉक्टरों का कहना है कि राम रहीम को सेक्स की आदत है तो मरने वाला है राम रहीम। जेल से सिर्फ 13 मिनट में पीजीआई किया गया शिफ्ट। राम रहीम की नई बीमारी है खतरनाक। हमसे फेसबुक पर भी जुड़ें। यह आदत इतनी गहरी है कि राम रहीम को जेल में नींद नहीं आती है, वह तनाव में रहने लगा है। बीते दिनों राम रहीम ने गोद ली हुई बेटी हनीप्रीत को जेल में उसके साथ रखने की मांग की थी। उसने कहा था कि वह बेटी से मां लिश करवाना चाहता है, लेकिन अब समझ आ रहा है कि राम रहीम की असली चाहत क्या थी। यह खुलासा रोहतक जेल में राम रहीम की जांच करने वाली टीम ने किया है। टीम के मुताबिक जेल जाने के बाद उसे शारीरिक सुख नहीं मिला, इस वजह से उसकी बेचैनी हद पार कर गई है। समस्या बढ़ती ही जा रही है। इलाज में देरी हुई तो उसकी जान पर आफत बन सकती है। तनाव में वह खुद के साथ कुछ भी कर सकता है। उसे तुरंत इलाज की जरूरत है। बेरहम निकला गुरमीत राम रहीम, करवा दी अपनी ही बेटी हनीप्रीत की हत्या। इससे पहले एक सेवादार ने दावा किया था कि राम रहीम ऑस्ट्रेलिया से सेक्स टॉनिक मंगाता था। उसने अपने वहशीपन को पूरा करने के लिए ही अपने डेरे से साध्वियों के कमरों तक गुफा बनवाई थी। लगातार सेक्स की जरूरत पूरी करने के लिए वह हनीप्रीत को साथ में रखता था।